Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a pitcher with 1 mm thick porous walls contains 10 kg of water. Water comes to its outer surface and evaporates at the rate of 0.1 gram per second. The surface area of the pitcher one side is 200 cm square. The room temperature, that is 42 degrees Celsius, latent heat of vaporization, that is given. And the thermal conductivity of the porous walls, that is 0.8. Calculate the temperature of water in the pitcher when it attains a constant value. Fine. So, आप देखो हमारे पास एक पिचर है कुछ इस तरह से होगा. ये पिचर की वॉल्स है एंड वॉल्स का थिकनेस आपको गिवन है 1 mm. ये जो थिकनेस है दैट इज सिंपली 1 mm. इस पिचर के अंदर हमारे पास 10 किलोग्राम वाटर प्रेजेंट है. लेट्स से जो टेम्परेचर है वाटर का दैट इज टी. टी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. जो वाटर है इस पिक्चर के अंदर वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा टी, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. जो बाहर टेम्परेचर है दैट इज 42 डिग्री सेल्सियस, राइट. आप देखो ये जो टेम्परेचर है वाटर का इस पिक्चर में दैट विल बी लेसर देन 42 डिग्री सेल्सियस. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज आप देखो जो टेम्परेचर होता है ना वाटर का पिक्चर के अंदर दैट इज लेसर देन द आउटसाइड टेम्परेचर. बिकॉज हम वाटर को ठंडा करने के लिए ही पिक्चर के अंदर रखते हैं, है ना. नाउ बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर टेम्परेचर कम है. सो व्हाट विल हैपन, जो हीट है वो फ्लो करेगी बाहर से अंदर की तरफ. सो कैन यू फाइंड आउट हीट करंट, कितना हीट करंट आएगा? दैट विल बी के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एक्स. सो जस्ट वैल्यूज पुट करो. के दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी, वैल्यू गिवन है 0.8. जो सरफेस एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पिक्चर का दैट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 200 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 42 माइनस टी, है ना, डिवाइडेड बाय एक्स. क्या है? थिकनेस है इस पिचर की वॉल्स का दैट इज 1 mm. सो दिस विल बी सिंपली 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मीटर. लाइक जो हीट है वो इस तरह से अंदर जाएगी ना पिचर के अंदर. सो दैट्स वाई जो थिकनेस लेना है आपको दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट, 1 mm. सो ये आपका हीट करंट आ गया. आप देखो ये जो हीट करंट है काइंड ऑफ ये क्या वैल्यू है? इतना जूल हीट पर सेकेंड बाहर से पिचर के अंदर जाता है. देन जो हीट है अगर पिचर के अंदर जाएगा देन जो वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना चाहिए, राइट. बट जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है. ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप देखो जो भी हीट इस पिचर के अंदर जाएगा ना उस हीट का यूज करके जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है. जो वाटर है ना इस पिचर के अंदर उस हीट को यूज करके इवापोरेट हो जाएगा, बाहर वाली सरफेस पे आएगा एंड इवापोरेट हो जाएगा. सो जो इवापोरेशन का रेट है दैट इज 0.1 ग्राम पर सेकेंड. सो आप देखो 1 सेकेंड में 0.1 ग्राम वाटर इवापोरेट हो जाता है. 0.1 ग्राम वाटर को इवापोरेट होने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड है? दैट इज मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. मास कितना है? 0.1 ग्राम. दैट इज सिंपली 0.1 इनटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 2.27 इनटू 10 रेज टू द पावर 6. सो 2.27 इनटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल पर सेकेंड, है ना, बिकॉज 1 सेकेंड में आपको 0.1 ग्राम वाटर को इवापोरेट करना है. सो नाउ यू कैन जस्ट इक्वेट हीट करंट एंड दिस वैल्यू, राइट. लाइक 1 सेकेंड में इतना हीट, जो हीट वाटर, जो हीट पिचर के अंदर जाएगा एंड जो हीट वाटर को रिक्वायर्ड है इवापोरेट होने के लिए, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया. सो यहां से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, है ना, टी का वैल्यू आ जाएगा. सो लेट्स सी, आप देखो इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. 10 रेज टू द पावर ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा. सो ये 20, सो 16. सो देखो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 16. 42 माइनस टी दैट इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं. सो ये 10 रेज टू द पावर माइनस 4 हो गया. सो ये 227 हो गया, ठीक है. सो यहां से आप देखो जो टी का वैल्यू 42 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 227 डिवाइडेड बाई 16 एंड देन जो टी का वैल्यू निकल के आएगा दैट इज 42 माइनस 227 डिवाइडेड बाई 16. दिस विल बी इन डिग्री सेल्सियस. सो इसे कैलकुलेट कर लेना. दैट्स योर आंसर. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन. कीप वर्किंग आउट. बेस्ट ऑफ लक. बाय.